नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ नीता जोशी। लाखेरी उपखंड पर ओम बिरला के आगमन पर क्षेत्रवासियों को सुपरफास्ट ट्रेनों की सौगात मिली। लोकसभा अध्यक्ष और क्षेत्रीय सांसद ओम बिरला ने क्षेत्र की जनता की पिछले 10 सालों से चली आ रही सुपरफास्ट ट्रेन के ठहराव की मांग पूरा करके क्षेत्र की जनता को 2 सुपरफास्ट ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित किया, जिसमें एक दयोदय एक्सप्रेस, दूसरी सोगरिया दिल्ली एक्सप्रेस है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दयोदय ट्रेन से लाखेरी पहुंचे। बिरला के लाखेरी आगमन पर पार्टी के कार्यकर्ताओं तथा शहर की जनता ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर बिरला ने दयोदय एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर स्टेशन पर आयोजित सभा में ओम बिरला ने बताया कि रेलवे स्टेशन का सौंदर्यकरण, प्लेटफार्म को ऊंचा बनाना तथा यात्री विश्राम गृह को आधुनिक बनाया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्लेटफार्म पर डिजिटल डिस्प्ले का भी शुभारंभ किया। कापरेन घाट का बराना और इंदरगढ़ रेलवे स्टेशन पर भी यात्री सुविधाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर बिरला ने क्षेत्र की जनता को 4.5 करोड़ के इंडोर स्टेडियम तथा 48 करोड़ के आवासीय विद्यालय की गेंडोली में खोलने की घोषणा की। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने बताया कि क्षेत्र में शीघ्र ही मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें क्षेत्र की जनता का स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार की आवश्यकता होने पर रोगी को बड़े केंद्रों पर भेजा जाएगा। जनता का स्वस्थ होना जरूरी है, सबका डिजिटल कार्ड बनाया जाएगा। साथ ही क्षेत्र की जनता को पीने का पानी प्रत्येक घर में पहुंचाने की बात कही। इसके साथ ही सामाजिक अधिकारिता विभाग द्वारा आयोजित समारोह में पहुंचकर दिव्यांगों को निःशुल्क 42 लाख के दिव्यांग उपकरण, जिनमें ट्राईसाइकिल, इलेक्ट्रॉनिक ट्राईसाइकिल सहित कृत्रिम पैर एवं दांत लगाने जैसे कई उपकरण भेंट किए। बिरला ने प्रबुद्ध जन स्नेह मिलन समारोह में शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, क्षेत्रीय विधायक चंद्रकांता मेघवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष छीतर राणा, रेलवे DRM, SEC प्रबंधक सहित कई अन्य नेता, कार्यकर्ता और आमजन मौजूद रहे। संवाददाता विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट।